जय श्री हरि। श्री विष्णु पुराण 16वां अध्याय। शंभु जी की आज्ञा से निदाघ का अपने घर को लौटना। ब्रह्मण बोले, हे नरेश्वर, तदंतर सहस्त्र वर्ष व्यतीत होने पर महर्षि शंभु निदाघ को ज्ञानोपदेश करने के लिए फिर उसी नगर को गए। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि वहां का राजा बहुत सी सेना आदि के साथ बड़ी धूमधाम से नगर में प्रवेश कर रहा है और वन से कुशा तथा समुद्र लेकर आया हुआ महाभाग निदाघ जन समूह से हटकर भूखा प्यासा दूर खड़ा है। निदाघ को देखकर शंभु उनके निकट गए और उनका अभिवादन करके बोले, हे द्विज, यहाँ एकांत में आप कैसे खड़े हैं? निदाघ बोले, हे विप्रवर, आज इस अति रमणीक नगर में राजा जाना चाहता है, सो मार्ग में बड़ी भीड़ हो रही है, इसीलिए मैं यहीं खड़ा हूँ। शंभु बोले, हे द्विज श्रेष्ठ, मालूम होता है आप यहाँ की सब बातें जानते हैं, अतः कहिए इनमें राजा कौन है और अन्य पुरुष कौन है? निदाघ बोले, यह जो पर्वत के समान ऊंचे मत गजराज पर चढ़ा हुआ है वही राजा है तथा दूसरे लोग परिजन हैं। शंभु बोले, आपके राजा और गज दोनों एक साथ ही दिखाए, किंतु इन दोनों के पृथक पृथक विशेष चिन्ह अथवा लक्षण नहीं बतलाए, अतः हे महाभाग, इन दोनों में क्या क्या विशेषताएं हैं यह बतलाइए। मैं यह जानना चाहता हूँ कि इनमें कौन राजा है और कौन गज है। निदाघ बोले, इनमें जो नीचे है वह गज है और उसके ऊपर राजा है। हे गज, इन दोनों का वाहक वाहन संबंध है, इस बात को कौन नहीं जानता? शंभु बोले, ठीक है, किंतु हे ब्रह्मन, मुझे इस प्रकार समझाएं जिससे मैं यह जान सकूं कि नीचे इस शब्द का वाच्य क्या है और ऊपर किसे कहते हैं। ब्रह्मन ने कहा, शंभु के ऐसा कहने पर निदाघ ने अकस्मात उनके ऊपर चढ़कर कहा, सुनिए, आपने जो पूछा है वही बतलाता हूँ। इस समय राजा की भांति मैं तो ऊपर हूँ और गज की भांति आप नीचे हैं। हे ब्रह्मन, आपको समझाने के लिए ही मैंने यह दृष्टांत दिखलाया है। शंभु बोले, हे द्विज श्रेष्ठ, यदि आप राजा के समान हैं और मैं गज के समान हूँ तो यह बताइए कि आप कौन हैं और मैं कौन हूँ। ब्राह्मण ने कहा, शंभु जी के ऐसा कहने पर निदाघ ने तुरंत ही उनके दोनों चरण पकड़ लिए और कहा, निश्चय ही आप आचार्य चरण महर्षि शंभु हैं। हमारे आचार्य जी के समान अद्वैत संस्कार युक्त चित्त और किसी का नहीं है, अतः मेरा विचार है कि आप हमारे गुरु जी ही आकर उपस्थित हुए हैं। शंभु जी बोले, हे निदाघ, पहले तुमने सेवा शुश्रूषा करके मेरा बहुत आदर किया था, अतः तुम्हारे स्नेह वश मैं शंभु नामक तुम्हारा गुरु ही तुमको उपदेश देने के लिए आया हूँ। हे महामते, समस्त पदार्थों में अद्वैत आत्मबुद्धि रखना यही परमार्थ का सार है जो मैंने तुम्हें संक्षेप में उपदेश कर दिया। ब्राह्मण बोले, निदाघ से ऐसा कहे परम विद्वान गुरुवर भगवान शंभु चले गए और उनके उद्देश्य से निदाघ भी अद्वैत चिंतन में तत्पर हो गया और समस्त प्राणियों को अपने से अभिन्न देखने लगा। हे धर्मज्ञ, हे पृथ्वी पते, जिस प्रकार उन ब्रह्म परायण ब्राह्मण ने परम मोक्ष पद प्राप्त किया, उसी प्रकार तू भी आत्मा शत्रु और मित्र आदि में समान भाव रखकर अपने को सर्वगत जानता हुआ मुक्ति लाभ कर। जिस प्रकार एक ही आकाश श्वेत नील आदि भेदों वाला दिखाई देता है, उसी प्रकार भ्रांत दृष्टियों को एक ही आत्मा पृथक पृथक दिखता है। इस संसार में जो कुछ है वह सब एक आत्मा ही है और वह अविनाशी है, उससे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। मैं, तू और ये सब आत्मस्वरूप ही है, अतः भेद ज्ञान रूप मोह को छोड़ दे। श्री पराशर जी बोले, उनके ऐसा कहने पर सौवीर राज ने परमात्म दृष्टि का आश्रय लेकर भेद बुद्धि को छोड़ दिया और वे जाति स्मर ब्रह्मन श्रेष्ठ भी बोध युक्त होने से उसी जन्म में मुक्त हो गए।
इस प्रकार महाराज भरत के इतिहास की सारभूत वृतांत को जो पुरुष भक्ति पूर्वक कहता या सुनता है उसकी बुद्धि निर्मल हो जाती है, उसे कभी आत्मविस्मृति नहीं होती और वह जन्म जन्मांतर में मुक्ति की योग्यता प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के दूसरे अंश में 16वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि। इस प्रकार श्री पराशर मुनि जी द्वारा विरचित श्री विष्णु परत्व निर्णायक श्री विष्णु महापुराण का दूसरा अंश संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि।